हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, हमने अपने लास्ट सेशन में अपनी बुक कंप्लीट कर ली, जो कि थी क्षितिज। हमारी क्षितिज बुक कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों, आज से हम अपनी नई बुक स्टार्ट करेंगे, जो कि होगी हमारी कृतिका। ओके, कृतिका का हम पहले क्या करेंगे, आपको पहले डिटेल में बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गद्य कर सबसे पहले हम इसमें पहले अपना गद्यखंड कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम इसका काव्यखंड स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने क्षितिज बुक का किया था। पहले हमने अपना पूरा गद्यखंड कंप्लीट किया, देन हम कहाँ पर स्विच किए थे, काव्यखंड में स्विच किए थे। सेम यही चीज़ हम कृतिका बुक में करेंगे। तो बच्चों, आज से हम कृतिका बुक का अपना पहला गद्यखंड का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा इस जल प्रलय में। तो इस जल प्रलय में ये चैप्टर आधारित है बाढ़ की घटनाओं को लेकर, ठीक है। तो इसके जो लेखक हैं वो है फणीश्वरनाथ रेणु जी। फणीश्वरनाथ रेणु जी का हम कुछ जीवन परिचय जान लेते हैं। अब जानते हैं रेणु जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को औराड़ी हिगन्ना पूर्णिया जिले बिहार में, ठीक है। इनका जीवन शोषण दमन के विरुद्ध संघर्षरत रहे। मतलब इन्होंने सारा जीवन किसके विरुद्ध संघर्ष किया, शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध। इसी के सिलसिले में ये किस पार्टी से जुड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े और राजनीति में सक्रिय भागीदारी की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े। 1950 में नेपाली दमनकारी रण सत्ता के विरुद्ध इन्होंने सशस्त्र क्रांति के सूत्रधार रहे। मतलब इन आंदोलनों से ये जुड़े रहे। 1954 में मैला आंचल उपन्यास प्रकाशित हुआ, उसके बाद ये हिंदी कथाकार के रूप में इन्हें एक जानी मानी प्रतिष्ठा के रूप मिली। जेपी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और सत्ता द्वारा दमन के विरोध में पद्मश्री का इन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ये किस लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए, क्योंकि इनकी जो कवियाँ या इनकी जो लेखन कार्य हुआ वे आंचलिक जीवन पर काफ़ी आधारित रहे। तो जो आज की हमारी चैप्टर है इस जल प्रलय में, ये लिखा हुआ है रिपोर्टाज शैली में। मतलब एक रिपोर्ट के थ्रू ये तैयार किया गया है, जिसमें लेखक खुद उस समय वहाँ पर मौजूद रहे। तो उन्होंने हमें ये बताया है कि बाढ़ किस समय आई, बाढ़ से क्या क्या चीज़ें प्रभावित हुई, ठीक है, बाढ़ का कैसा लोगों पर प्रभाव पड़ा। ये सारा एक रिपोर्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जिसका वर्णन करते हैं, उसको कहते हैं एक रिपोर्टाज शैली। अब वैसे तो होता हमेशा है, बाढ़ हमेशा प्रलयकारी होती है, काफ़ी दुखदायी होती है, पर लेखक ने इस चैप्टर को काफ़ी रोमांचक वर्णन किया है, ताकि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लेखक कहते हैं, इस जल प्रलय में लेखक ने अपने गांव और उससे जुड़े क्षेत्रों का वर्णन किया है। लेखक सहायक कार्यकर्ता की हैसियत से ग्रामीण अंचल के तमाम इलाकों में कार्य कर चुका है। लेखक कहता है, मतलब वो क्या थे, एक कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे थे इस एरिया में। लेखक कहता है, उसने एक शहरी की भांति बाढ़ की विभीषिका को भोगा है। वस्तुतः वर्तमान स्थिति में पटना शहर में आई बाढ़ के संबंध में उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किया है, ठीक है। इसमें वे कहते हैं कि बाढ़ की जो होती है हमेशा केवल शारीरिक रूप से प्रभावित नहीं करती, आर्थिक रूप से भी प्रभावित करती है ना। साथ ही साथ हमारा मानसिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन भी काफ़ी इस तरह इन बाढ़ों से क्या होता है, प्रभावित होता है, जिसको इन्होंने अपने इस चैप्टर में हमारे सामने रखा है। अब लेखक कहते हैं, इस प्रलय के आने के पूर्व का उन्होंने वर्णन किया है। वह सन 1967 की बाढ़ को भी याद करते हैं। लेखक बताते हैं कि पटना शहर के सभी प्रमुख इलाकों में पानी भर गया था। कब, 1967 में जो बाढ़ आई थी। लोग विभिन्न प्रकार के वाहनों से तथा पैदल से, मतलब होता है ना कि बाढ़ आती है तो नदियों में नदियां हमेशा पुल के ऊपर से चलने लगती है, तो कई लोगों के मन में देखने की काफ़ी उत्साह होता है कि हम जाके देखें कि बाढ़ का पानी कितना पहुंचा है, कौन से गांव तक पहुंचने वाला है। तो हमेशा इस तरह की चीज़ें आपने अपने आसपास भी देखी होगी। तो वही लोग विभिन्न प्रकार के वाहनों और पैदल से उसको देखने जा रहे थे। सभी के मन में बाढ़ से, जल से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित सूचना जानने की काफ़ी उत्सुकता थी। लेखक अपने एक कवि मित्र के साथ एक रिक्शे वाले से बातचीत करते हुए रिक्शे पर बैठा और इस दृश्य को देखते हुए वे आगे बढ़ रहे थे, है ना। होता है ना, आपने भी देखा होगा कि सभी के मन में जानना रहता है कि बाढ़ यहाँ तक पहुँच गई है, अब आपके गांव में पहुँच जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है, आपने भी अपने आसपास देखी ही होगी।
लेखक कहते हैं, बाढ़ और उसके कारण पटना शहर के अस्त व्यस्त हुए जनजीवन के विषय में बताते हैं। है ना, पटना का शहर कैसे अस्त व्यस्त हो गया था, जीवन कैसा अस्त व्यस्त हो गया था, इसमें वे हमें बता रहे हैं। अब अपने अनुभव को शेयर करते हुए कहते हैं, आकाशवाणी में समाचार प्रसारित हो रहा था और संवाददाता के मुंह से ये निकल गया कि अब बारिश का जो पानी है वो किसी भी क्षण हमारे स्टूडियो में प्रवेश कर जाएगा। तो इससे क्या हुआ, सारे लोग काफ़ी डर गए कि अब भाई स्टूडियो में भी पानी पहुंच जाएगा तो जो जानकारी हमारे तक पहुंच रही है वे हमारे पास कैसे आ पाएगी। तो कहने का मतलब ये था कि सारे लोग बाढ़ के जो प्रलय आया हुआ था उससे बहुत ज़्यादा परेशान और अव्यवस्थित हो गए थे। अब लेखक के अनुसार वे वहाँ का एक दृश्य हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पटना के पास एक अप्सरा सिनेमा हॉल है और वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गांधी मैदान है, जहाँ पर हमेशा क्या होता है, रामलीला के टाइम, दशहरे के टाइम रामलीला होती है, और वहाँ पे उस टाइम वैसी ही भीड़ होती है जैसी आज लोग बाढ़ का दृश्य देखने के लिए जहाँ पर भीड़ लगी हुई है। मतलब बाढ़ के समय भी सेम वैसी ही भीड़ है जैसी भीड़ रामलीला देखने के लिए होती है। तो वह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि दक्षिण भारत का, है ना, साउथ इंडिया का एक द्वीप है या एक आइलैंड है जिसका नाम है धनुषकोटी। और वहाँ पर हमेशा क्या होता है, धनुषकोटी जो शहर है वो क्या लगा हुआ है, सागरों से लगा हुआ है, और वहाँ पे हमेशा क्या होता है, जब भी बारिश आती है तो धनुषकोटी हमेशा डूब जाता है जल के कारण, बारिश के प्रभाव से। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आज जो बारिश, इतनी प्रलयकारी बाढ़ आई है, ये पूरे पटना शहर को अपने में समा लेगी। तो आगे कहते हैं लेखक, सरकार के जनसंपर्क विभाग की गाड़ी पटना शहर के राजेंद्र नगर इलाके में सावधान सावधान की उद्घोषणा कर रही है। लेखक कहते हैं कि मतलब बाढ़ आती है तो हाई अलर्ट जारी हो जाता है, ऑरेंज अलर्ट जारी हो जाता है कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी गिरने की संभावना है। तो सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या कर लें, रिलोकेट कर लें। तो ऐसी अनाउंसमेंट कहाँ चल रही है, पटना के शहर एक राजेंद्र नगर में चल रही है। लेखक इन सारे दृश्यों से घबरा कर क्या कर रहे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे चारों ओर इतनी तबाही चल रही है तो नींद तो आने से रही, उनके मन में तरह तरह की चीज़ें आने लगी। जितनी उन्होंने मन में, उनके मन में सारी चीज़ें क्या आने लगी कि उनमें उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी बाड़े देखी हैं वो सारी बाड़े उनके मन में सर्कुलेट करने लगी। कौन सी, 1947 की, 1949 की, ये सारे दृश्य उनके सामने आ गए। तो हुआ ये कि 1949 की बाढ़ में जो उनके गुरु थे सतीनाथ भादुड़ी, वे उनके साथ थे, और उस टाइम क्या हुआ था, गंगा की बाढ़ से जो एरिया प्रभावित हुए थे वहाँ पर ये क्या कर रहे थे, सहायता के कार्य कर रहे थे और लोगों तक अपनी राहत राशि या राहत की सामग्री पहुँचा रहे थे। तो उनके गुरु ने एक एडवाइस दी थी कि सबसे पहले राहत सामग्री में क्या होनी चाहिए, दवाएँ होनी चाहिए, कैरोसिन का तेल होना चाहिए और एक माचिस होनी चाहिए, है ना, जिससे क्या हुए, जिस भी जगह पर लोग पहुंचे उस कैरोसिन से क्या कर सके, एक आग जलाकर रोशनी कर सके, है ना। आगे की बात है, 1949 की बाढ़ भी कुछ ऐसी ही प्रलयकारी बाढ़ थी। इसी प्रकार लेखक उस समय बालक थे, तब सन 1937 की बाढ़ आई और उसमें नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। फिर 1967 की बाढ़ को याद करते हुए पुनपुन नदी के जल सैलाब को याद करते, मतलब जितनी भी उन्होंने अपने जीवन काल में बाढ़ देखी थी सारे उनके मन में घूमने लगी। ठीक है, एकाएक लेखक को याद आया कि उनके कुछ मित्र हैं और कुछ रिश्तेदार हैं जो कि इस तरह की बाढ़ में फंसे हुए हैं। अब टेलीफोन भी डेड था, सारे संपर्क टूट गए थे, तो उनसे क्या हो रहा था, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। फिर उनके मन में क्या हुआ कि कुछ लिखने की उनके मन में एक प्रबल इच्छा जगी, तो उन्होंने अपनी स्मृति में वो दृश्य को दोहराया और एक लिख दी एक कहानी। तो उनके मन में क्या आया कि बाढ़ से घिरी हुई एक महिला गाय के समान टकटकी लगाए और देख रही है, मतलब गाय भी एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही दया की दृष्टि से हमें देखती है, तो बाढ़ से प्रभावित एक महिला भी सेम वैसे ही लेखक की ओर देख रही है। अंत में लेखक को नींद आ गई, ये सारी चीजें सोचते सोचते क्या हुआ, उन्हें नींद आ गई। जब लोगों ने उन्हें जगाया तो उन्होंने देखा कि जहाँ वह थे उसके चारों ओर पूरा पानी ही पानी है, पूरा झाग भरा पानी है ना, दीवार डूब रही थी। लेखक कहता है यदि उसके पास कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो वो इस जल प्रलय को रिकॉर्ड कर लेते, और क्या होता, उनकी मेमोरी में हमेशा के लिए वो चीजें सेव हो जाती, उस जल तांडव को अपनी स्मृतियों में सुरक्षित रख पाते, है ना, हमेशा के लिए उनके पास वो चीजें सेव हो जाती। बाढ़ें बहुत आई,
लिखा, कहते हैं कि बाढ़े तो बहुत देखी लेकिन यह तो साक्षात जल प्रलय था। मतलब इतनी प्रलयकारी बाढ़ उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। लेखक के देखते ही देखते चाय वाले की दुकान, जल पार्क, हरियाली, सभी जगह क्या हो गए, बाढ़ का पानी पूरी तरह से एंटर कर चुका था। उनका कहना है कि अच्छा है इस दारुण दृश्य के अंकन है तो उनके पास कुछ नहीं था। मतलब ये अच्छा है कि इतने भयंकर सीन को रिकॉर्ड करने के लिए उनके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसके पास कुछ भी नहीं क्योंकि उसकी कलम भी चोरी हो गई थी। मतलब इतना ही बाढ़ के पानी में उनकी कलम भी गुम गुम चुकी थी, है ना। बाढ़ ने सब कुछ ले लिया था। वह अपने को हतोत्साहित और असहाय महसूस करने लगे थे। मतलब बाढ़ इतनी प्रलयकारी थी कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो अपने आप को बहुत ही असहाय और बहुत ही मजबूर महसूस कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में इसी प्लेटफॉर्म पे। टिल देन पढ़ते रहिए। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।